वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए यहाँ पे एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबके मन में क्वेश्चन जरूर से आता होगा कि जब भी हम मास गेनर लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप 1 kg मास गेनर ले रहे हो, तो उससे आपके मन में डाउट रहता हो कि हम इस 1 kg के मास गेनर से हम कितना kg वेट गेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ही छोटा सा है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मन में होता है कि हम 1 kg के मास गेनर से कितना किलो वेट गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको यही एक आइडिया दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना केजी आप वेट गेन कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने जैसे यूज़ करा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना केजी वेट गेन कर सकते हैं 1 kg के मास गेनर से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब मानिए आप जो मास गेनर होता है, सबसे पहले हम जानते हैं जो मास गेनर होता है उसका काम क्या होता है कि उसमें जैसे कि बहुत ही हाई कैलोरी होती है, बहुत ही हाई कार्ब्स होता है, तो उसके अंदर कैलोरी कार्ब्स हाई होगा तो जाहिर सी बात है आपका वेट गेन होना ही होना है, उसमें आपकी कोई चांस ही नहीं है कि आपका वेट गेन नहीं होगा। तो देखिए, हाँ, बात यहाँ पे ये भी आती है कि केवल मास गेनर ही आपका वेट गेन करने में मदद नहीं करेगा। मास गेनर भी तभी काम करता है कि जब आप उसके साथ अपनी डाइट को मतलब जोड़ेंगे, यानी आप अच्छे तरीके से डाइट लें और मास गेनर खाएं, तभी आपको अपनी बॉडी में उससे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप अकेले ही उसको खाएंगे और आप सोचेंगे कि आपका वेट गेन हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम जानते हैं जैसे कि मास गेनर होती है उसमें होता क्या है। जो मास गेनर होता है उसमें जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसकी एक 75 ग्राम की सर्विंग होती है। 75 ग्राम की सर्विंग में आपको मानिए फॉर एग्जाम्पल आपको 74 ग्राम या 79 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं और आपको 300 to 400 कैलोरीज आपको मिलती है एक उसमें एक सर्विंग में, और वही आप इतने सारे खाने से ले रहे हैं और वही आपको एक सर्विंग में मिल जाएगी, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। आप मानिए इतना ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, आप एक मील को स्किप करना चाहें और उसमें अगर आप नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल कंज्यूम करना चाहें छोटी सी मील, मतलब अपनी कैलोरी जैसे पूरी करना चाहते हैं, तो उसके सिवाय आप मास गेनर को कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें भी आपको उतनी चीज़ें मिलेंगी जितना आपको इतने सारे खाने में मिलता है, सिंपल है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपका ये जो मास गेनर है इतने सिंपल तरीके से काम करता है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जो हमको डिस्कस करना है कि आप 1 kg का जो मास गेनर है उससे आप कितना kg वेट गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, कुछ मुझे एक्यूरेट नहीं पता है कि बाकियों के में कौन कितना kg मास गेन कर सकता है उससे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा क्या होता है। कि देखिए, मैंने उसको एक नॉर्मल तरीके से भी यूज़ करके देखा है कि बिना डाइट प्लान के बेसिक तरीके यूज़ करा है। तो मास गेनर कौन सा था मैं आपको बताया था, अभी किस ब्रांड का पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने उसको कंज्यूम करा था सिंपल, बिना डाइट के भी मैं आपको बताता हूँ, डाइट के साथ भी कंज्यूम करा तो मुझे क्या रिजल्ट मिला था। तो देखिए, डाइट के साथ जब मैंने कंज्यूम करा था तो मुझे अपनी बॉडी पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। मैंने 2 से 3 हफ्ते में अराउंड 3 किलो गेन कर लिया था। मान के चलिए मेरा आधा किलो का डिब्बा था मास गेनर का, तो आधे किलो से मैंने 2 किलो गेन करा था, क्योंकि मैंने डाइट अच्छी रखी थी, यानी नॉर्मल थी, ऐसे कोई हाई प्रोटीन डाइट वाइट नहीं, मैं नॉर्मल खाना बस मैंने अपना बढ़ा दिया था, मुझे इतनी उस टाइम नॉलेज नहीं थी, मैंने अपना बस खाना बढ़ा दिया था एकदम से, ज़्यादा मैं खाना खाने लग गया था, जितनी बार मैं खाता था उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया था खाना। और मैंने मान के चलिए 2 से 2.5 हफ्ते या 3 हफ्ते मैंने अभी जैसे आपको बताया उतने मैंने 2.5 से 3 किलो के आसपास गेन कर लिया था, वो भी आधे किलो के जो भी डिब्बा था उससे। और अब बात करते हैं 1 किलो से भी मानिए जैसे मैंने कंज्यूम करा था उसको अच्छी डाइट के साथ, तो जाहिर सी बात है जैसे कि 4 किलो से 4.5-5 किलो मैंने गेन कर लिया था 1 किलो से। तो यही मान के चलिए, अब जैसे मैंने रॉ उसको ट्राई करा बिना उसके नॉर्मल उसके, मैंने सोचा कि अब मेरा वेट गेन हो गया, अब मैं इसको नॉर्मली भी कंज्यूम करूँ तो मेरा वेट गेन हो गई, तो मैंने कहा कि क्यों ना ट्राई करूँ इसको, मैं बिना उसके अपने नॉर्मल फूड को छोड़ करके मैं इसको केवल ट्राई करूँ कि मैं फूड पे इतना ध्यान ना दूँ, फूड में लाइट लाइट ही खाऊँ, जैसे मैं खाता हूँ हल्का फुल्का, वो जो मैंने एक्स्ट्रा मील ऐड करी थी उसको मैं छोड़ दूँ। तो क्या हुआ कि जब मैंने उसको वैसे ट्राई करा, तो उसको ट्राई करने में क्या हुआ कि मेरी बॉडी में जो था वो रिज़ल्ट वगैरह उस हिसाब से खास नहीं दिखा, क्योंकि जैसे मैं वेट जितने पे स्टक था उतने पे स्टक रह गया, उसमें भी बस 500 ग्राम या 700 ग्राम बढ़ा, जितना कि रोज़ में तो बढ़ता ही रहता है, जैसे कि 500-700 ग्राम कोई बड़ी बात नहीं हुई, वो तो आपका रोज़ अगर आप वेट नापोगे तो आपको इतना ऊपर नीचे दिखता ही दिखता है। यही मैंने 1 वीक बाद उसको कंज्यूम करने के बाद उसको देखा, तो मेरे बॉडी में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखा, 500-700 ग्राम मेरे को बढ़ा हुआ दिखा, इतना कि रेगुलर पर्सन जो भी है वो भी अगर अपना वेट नापे तो उसको भी इतना वेट अपना अप डाउन दिखेगा ही दिखेगा, तो उसको खास मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। वो ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने डाइट उस टाइम अच्छे से कंज्यूम नहीं करी थी, और एक तरह से मानिए जो भी आपका सप्लीमेंट है अगर आप उसको ऐसे ही कंज्यूम करेंगे बिना किसी डाइट के और ऐसे सोचे कि सप्लीमेंट ही सारा का सारा काम करेगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आप ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि अगर आप मास गेनर ले रहे हैं या डब्बा, अगर आप जैसे सोचते हैं कि एक डब्बा पी रहे हैं मास गेनर का और एकदम से फूल जाएंगे, और ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।
मास गेनर की भी अपना एक रोल है, अपनी एक जगह है, वो भी अपने हिसाब से काम करता है। जैसे कि वे प्रोटीन है कहते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से डाइट ले रहे हैं तभी आप उसको लें, वरना अगर आप ऐसे ही सोच रहे कि अगर आप उसको ऐसे ही कंज्यूम करें, वर्कआउट करें, वर्कआउट के बाद ले रहे हैं और बस दिन भर कुछ खाएं ही ना, तो आपके मसल बिल्ड हो जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आपको उसको भी अच्छे तरीके से यूज़ करना होगा, जो मास गेनर है उसको भी ऐसे यूज़ करना होगा कि आप अच्छी डाइट के साथ कंज्यूम करें। और अगर मैं आपको एक्यूरेट बताऊँ मैंने कितना केजी गेन करा है एक उससे, तो मान के चलिए मैंने अराउंड मान सकते हैं 5.5 किलो यानी 5.25 ग्राम मैंने 1 केजी के मास गेनर से गेन करा। और वो कौन सा मास गेनर था? पहला मेरा था इंडूरा मास। इंडूरा मास जो कि अभी नॉर्मल सप्लीमेंट है, आपको किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा बहुत ही ईजिली, जो कि नियर बाय हमको मिल जाता है। जो अभी खास सप्लीमेंट ब्रांड है उनके लिए तो हमें बाहर सप्लीमेंट स्टोर से लेना पड़ता है, ये हमको नियर बाय शॉप से मिल जाता है जो कि केमिस्ट से। तो और बाकी मैंने जो सेकेंड टाइम यूज़ करा था वो है मसल बेस का डबल एक्सल गेन है, यानी मास गेनर डबल एक्सल जो होता है उसके काफ़ी सारे नाम है, उससे कन्फ्यूज़न हो जाती है फ्रेंड्स। तो मैंने यूज़ करा था सेकेंड टाइम ये वाला मास गेनर डबल एक्सल मसल बेस का, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, उससे भी मैंने अराउंड 2 या 2.5 केजी गेन करा था। तो इतना टोटल मान के चलिए, मैंने 1 केजी का वो भी लिया था, तो इतना टोटल मैंने मान के चलिए 5.25 केजी मैंने 1 केजी के उससे गेन करा था। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स मेरा रिजल्ट रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और काफ़ी अच्छा रहा मास गेनर का इफेक्ट मेरे ऊपर, कम ज़्यादा होता रहा। अभी जैसे मैंने आपको 2.5 बताया, वो मेरी डाइट पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम डाइट कम ज़्यादा लेते रहते हैं तो उस पर डिपेंड करता है हमें, और बाकी कोई बात नहीं है कि अगर आप सोचें कि मास गेनर में कोई साइड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। बस मास गेनर वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही स्किनी है, एकदम दुबले पतले हैं, लीन है, वो उसको कंज्यूम करें, वो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। अगर हम जैसे लोग, जैसे हमारी बॉडी में फैट बहुत ही ज़्यादा है परसेंटेज, अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें बॉडी में और भी ज़्यादा फैट स्टोर होने लगेगा और इससे हमको आगे दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी आगे जा करके फैट निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमको अपनी बॉडी से। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँ।